का गुलाम क्यों बनता जा रहा है और सेक्स के प्रति इतना व्याकुल क्यों है? जानते हैं इसके पीछे का क्या रहस्य है? इसके पीछे का जो रहस्य है वह है हमारे आगे पीछे चारों तरफ। आप कहीं भी निकल जाइए, मार्केट जाइए, वहां पर कुछ ना कुछ आपको सेक्स के प्रति देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यूं कहे नंगापन। टीवी में एड देखिए, कितनी भद्दी एड आती है, कच्चे बनियान की एड। किसी कच्चे बनियान की दुकान पर आप चले जाइए, विज्ञापन कितना गंदा। आपको दिमाग में सिर्फ सेक्स के प्रति दिमाग घूमता रहता है, आप ना चाह के भी उसके गुलाम बन जाते हैं। अब उसके लिए आपको स्त्री के पास जाना पड़ेगा। जब आप स्त्री के पास जाते हैं तो स्त्री उसका गलत फायदा होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी ये कार्य होते थे, सेक्स के प्रति यह कार्य होते थे, परंतु एक पर्दा हुआ करता था। जब टीवी में कोई सीन भी आ जाता था लव का, तो घर वाले कहते थे कि यह काट दो, आगे बढ़ा दो वीडियो। परंतु आज आप टीवी मनोरंजन के लिए खोलें, उसमें भी आपको सेक्स के प्रति देखने को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन जब गुलामी होती है, जब स्त्री ही के पास जाना पड़ता है, तो स्त्री उसका गलत फायदा उठाती है। उस जरा सी चीज के लिए पुरुष गुलाम बन जाता है। पुरुष को उस स्त्री के अलावा ना तो उस संसार में उसके माँ बाप भाई बहन मित्र सबसे दूर कर देती है वह स्त्री। अक्सर आपने देखा होगा कि आज के जमाने में जो घर टूट रहे हैं वह जरा सी चीज के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं। वह लालच, वह आकर्षण स्त्री के पास ले जाता है और स्त्री अपनी उंगलियों पे नचाती है पुरुष को। स्त्री कहती है कि तुम्हारा जो संसार है, मैं हूं और मेरा बच्चा है, इसके अलावा तुम्हारे संसार में कुछ नहीं है, ना तो तुम्हारी मां है, ना बाप है, ना भाई, ना बहन, जो कुछ हूं मैं ही हूं। मेरी मां तुम्हारी मां है, परंतु तुम्हारी मां मेरी मां नहीं है। मेरा भाई तुम्हारा भाई है, परंतु तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा नहीं है। यह स्त्री जब कान में जहर घोलती है तो पुरुष भी अपना घर तोड़ देता है। आज के संसार में घर टूटने की सबसे बड़ी वजह जो है सेक्स के प्रति इतना जागरूक होना। चाहे फोन खोल लीजिए, कहीं भी चारों तरफ एक ही नजारा देखने को मिलता है, जिसकी पूर्ति के लिए पुरुष स्त्री का गुलाम बन जाता है और अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेता है।